हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर की। बच्चों, अपने प्रीवियस वीडियो में हमने आनुवंशिक विकारों की चर्चा की, जिसमें हमने जाना कि आनुवंशिक विकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मेंडेलियन विकार और गुणसूत्री या क्रोमोसोमल विकार। मेंडेलियन विकारों को हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया और अपने आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्रोमोसोमी विकार या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कैसे होते हैं और कौन कौन से ये डिसऑर्डर होते हैं। और साथ ही साथ हम इस फिफ्थ चैप्टर यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए बच्चों, चर्चा कर लेते हैं क्रोमोसोमी विकारों की। क्रोमोसोमी विकार यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। सबसे पहले क्रोमोसोमी विकारों के अंतर्गत बात कर लेते हैं डाउन सिंड्रोम की। बच्चों, ये ट्राइसोमिक का एक उदाहरण होता है, जिसमें 21वां गुणसूत्र जो होता है उसकी एक अतिरिक्त प्रति आ जाती है, ठीक है, एक और कॉपी उसकी आ जाती है। और कभी कभी ये क्रोमोसोम नंबर 14 में ट्रांसलोकेशन के कारण भी हो जाता है, डाउन सिंड्रोम। इसमें जो रोगी व्यक्ति होता है यानी डाउन सिंड्रोम के कारण जो ग्रसित व्यक्ति होता है, उसमें माथा चौड़ा होता है, गर्दन छोटी होती है, हाथ चपटे, हाथ पैर मोटे होते हैं और भद्दे होते हैं, आंखें तिरछी होती हैं, जीभ मोटी होती है, मुख खुला रहता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र खराब होता है, यानी डिफेक्टिव सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसमें कार्डियक मालफॉर्मेशन भी होता है। और इस सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति को मंगोलियन इडियट्स भी कहा जाता है। दूसरा सिंड्रोम है एडवर्ड्स सिंड्रोम। एडवर्ड्स सिंड्रोम भी क्रोमोसोम नंबर 18 की ट्राइसोमी के कारण होता है। इसमें जन्म के 3-4 माह बाद ही मृत्यु हो जाती है। इसमें नीचे लटके लंबे लंबे कान होते हैं, विकृत बड़ा सर होता है और पीछे की ओर ठुड्डी होती है। अगला क्रोमोसोमी विकार का उदाहरण है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स गुणसूत्र का अभाव होता है। इसको 2n-1 से समझिए। इसे XO फीमेल या X0 फीमेल भी कहते हैं। ये मादाएं बंदी होती हैं, इनफर्टाइल होती हैं और इनमें स्तन जो होते हैं अपरिवर्धित होते हैं और लैंगिक लक्षणों का अभाव होता है। अगला है बच्चों क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसे XXY मेल से समझिए, यानी इनमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम मेल्स में हो जाता है, यानी पुरुषों में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इसमें पाया जाता है। इसमें महिलाओं की तरह हाई पीच की साउंड होती है, ठीक है, इनकी जो आवाज होती है, इनका जो स्वर होता है वो महिलाओं जैसा होता है। ये ठिगने होते हैं, इनमें छोटे छोटे वृषण होते हैं, इनका मस्तिष्क कमजोर होता है, शरीर पर कम बाल होते हैं और ये स्टराइल होते हैं। पटाऊ सिंड्रोम एक और सिंड्रोम है। इसमें क्रोमोसोम नंबर 13 की ट्राइसोमी होती है। इसमें सर बहुत छोटा होता है, आंखें दूर दूर होती हैं, जननांग कम विकसित होते हैं, किडनी के विकार होते हैं, ये जन्म नहीं ले पाते हैं और यदि जन्म लेते भी हैं तो प्रथम वर्ष के में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा पॉली एक्स सिंड्रोम भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। ये देखिए पॉली एक्स सिंड्रोम, ये महिलाओं में होता है। यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। ये जो मादाएं होती हैं स्टराइल होती हैं और मेंटली डल होती हैं। एक एक्स वाई मेल भी पाए जाते हैं, ठीक है, इन्हें सुपर मेल्स कहते हैं, इनमें वाई क्रोमोसोम ज्यादा होता है, ठीक है। इसको क्रिमिनल सिंड्रोम्स भी कहते हैं। ये बहुत लंबे होते हैं और मेंटली डल होते हैं और अग्रेसिव होते हैं, इसलिए इसे क्रिमिनल सिंड्रोम या सुपर मेल सिंड्रोम भी कहते हैं। इसके अलावा क्राई डू चैट सिंड्रोम भी एक होता है, जो क्रोमोसोम नंबर 5 में अनियमितता के कारण होता है। बच्चों, यानी ये कुछ क्रोमोसोमी विकार थे। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा चैप्टर 5 है उसके कुछ इम्पोर्टेंट
बिंदुओं के ऊपर, यानी वंशागति और विविधता के सिद्धांत चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर भी हम इसी वीडियो में चर्चा कर लेते हैं बच्चों। नहीं, उससे पहले आप इस चार्ट से, चार्ट को देखिए। इस चार्ट में आपको दिए गए हैं कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, यहाँ पे दिए गए ये सिंड्रोम्स जिनके बारे में अभी आपने पढ़ा, ये है ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी का उदाहरण है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सेक्स क्रोमोजोम एंड एन्यूप्लॉइडी, टर्नर सिंड्रोम, सेक्स क्रोमोजोम एन्यूप्लॉइडी, एलकैप्टोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया। एलकैप्टोन्यूरिया ऑटोसोमल जीन उत्परिवर्तन है, और इसमें क्या होता है, एलकैप्टोन्यूरिया में क्या होता है, मूत्र हवा के संपर्क में आते ही काला पड़ जाता है, ठीक है। ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। रंजकहीनता एल्बिनिज्म भी जेनेटिक डिसऑर्डर है जो ऑटोसोमल जीन उत्परिवर्तन के कारण होता है। इसमें टायरोसिन एंजाइम की कमी होती है जिसके कारण त्वचा, बाल और पुतली में गहरे रंग की अनुपस्थिति होती है, ठीक है। ये चार्ट है, इस चार्ट से भी आप आसानी से पता कर सकते हैं, और आपको एग्जाम्स के लिए भी ये याद करने में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा गुणसूत्री विकारों और मेंडेलियन विकारों के बारे में, आपको वहां बताना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। आपको पता है आनुवंशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल, जबकि आनुवंशिकी या जेनेटिक शब्द दिया था डब्ल्यू बेटसन ने, और इसलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स डब्ल्यू बेटसन। किसी व्यक्ति के सभी जीनोटाइप जीन पूल कहलाते हैं। जीन पूल किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति के सभी जीनोटाइप्स को हम जीन पूल, कलेक्टिव फॉर्म में जीन पूल कहते हैं। बच्चों 8000 से 10000 ईसा पूर्व मनुष्यों को ज्ञान हो चुका था कि लैंगिक जनन के कारण ही विविधता होती है, इतने साल पहले, ठीक है। उन्होंने इच्छित लक्षणों वाले जीवों को चुना, प्रजनन करवाया, और जो वाइल्ड वैरायटीज थी उनको कल्टीवेटेड किया और उनको पालतू बनाया, ठीक है। उन्होंने इच्छित लक्षणों वाले जीवों को प्राप्त करके उन्हें पालतू बनाया, जैसे साहिवाल गाय, लेकिन उस समय उनके पास इसका कोई वैज्ञानिक आधार बच्चों नहीं था, वैज्ञानिक रूप से इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, लेकिन उन्हें इसकी इम्पोर्टेंस पता थी। और जो मेंडल हैं, उनके जो रिसर्च थे उसकी इम्पोर्टेंस आजकल के प्रजनन हाइब्रिडाइजेशन के जो प्रोग्राम है, क्रॉप रोटेशन और जो उन्नत बीजे किस्में बनाने में जो है, उसमें मेंडल के नियमों की इम्पोर्टेंस आज जाकर हमें पता लगी है। आज हम उसको इम्प्लांट कर रहे हैं, ठीक है, उसको अपने लाभ के लिए हम मेंडल के नियमों और वंशागति के सिद्धांतों को हम इम्प्लांट कर रहे हैं। एक आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें है ट्रू ब्रीडिंग लाइन या तद्रूप प्रजनन सम किसे कहते हैं। तद्रूप प्रजनन सम वंशक्रम या ट्रू ब्रीडिंग लाइन वंशक्रम वह होता है जो कई पीढ़ियों तक स्वपरागण के फलस्वरूप स्थायी विशेषक या ट्रेट प्रदर्शित करता है। अब ट्रेट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक और फीचर को हम ट्रेट कहते हैं, जैसे कलर और साइज। बच्चों अगला पॉइंट है, अर्धसूत्री विभाजन के समय जब जनक युग्मक बनाते हैं तो जनक के एलील भी अलग हो जाते हैं और एक युग्मक में एक ही जाता है, एलील के युग्म जोड़ों में से एक युग्मक में एक ही जाता है। बच्चों वंशागति की इकाई जीन होती है और संतान को पिता से केवल 50% जीन प्राप्त होती है। आनुवंशिकता और आनुवंशिकी में भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आनुवंशिकता क्या होती है, आनुवंशिक लक्षणों का संतानों में पहुंचना, जिसे हम आनुवंशिकता या वंशागति या हेरिडिटी भी कहते हैं, ठीक है, इनहेरिटेंस भी कहते हैं। जबकि आनुवंशिकी क्या होती है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों और उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे हम आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। बच्चों अब आप समझ चुके हैं कि जीन्स जो है वो क्रोमोसोम में होते हैं। क्रोमोसोम में वह निश्चित स्थान जहां पर जीन्स होते हैं उनको जीन स्थल या लोकस कहते हैं। टोटल सेट ऑफ जीन इन अ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम जीनोम कहलाता है। अब अगर एक लाइन में समझना हो तो प्रभाविता का नियम कहता है कि गुणों के जोड़े में से एक प्रभावी और एक अप्रभावी होता है।
पृथक्करण का नियम कहता है युग्मकों के निर्माण के समय जोड़े के कारक पृथक पृथक हो जाते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहता है कारक एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं। केंद्रक का क्रोमेटिन व्यवस्थित होकर गुणसूत्र बनाता है। बच्चों अगला पॉइंट है स्वतंत्र अपव्यूहन उन्हीं जीनों का होता है जो अलग अलग गुणसूत्रों पर हो। ठीक है, एक ही गुणसूत्र पर जो पास पास स्थित जीन होती हैं उनमें लिंकेज या संलग्नता पाई जाती है। अगला पॉइंट है मादा स्तनधारियों में दो में से एक एक्स गुणसूत्र निष्क्रिय होता है जिसे बार पिंड कहते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों जिन जीनों की वंशागति लिंग गुणसूत्रों द्वारा होती है उन्हें लिंग सहलग्न जीन कहते हैं। अगला पॉइंट है रंजकहीनता ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन के कारण होता है। बच्चों लास्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है जीन और क्रोमोसोम में डिफरेंस। ठीक है, बहुत मतलब अब आप तो खैर इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे लेकिन अक्सर हम जीन और क्रोमोसोम में डिफरेंस करते हैं, खासकर हम जेनेटिक्स जब पढ़ रहे होते हैं। जीन लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, जीन क्रोमोसोम में लोकेटेड क्रोमोसोम में होती है और क्रोमोसोम क्या होते हैं पैक्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो डीएनए और प्रोटीन से मिलके बनते हैं। जीन्स को हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते जबकि क्रोमोसोम माइक्रोस्कोप से विजिबल होते हैं। जीन या तो डीएनए के बने होते हैं या आरएनए के बने होते हैं। क्रोमोसोम डीएनए आरएनए और हिस्टोन्स के बने हुए होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। जीन म्यूटेशंस जीन उत्परिवर्तन छोटे होते हैं और क्रोमोसोम म्यूटेशन कंपैरेटिवली लार्जर होते हैं, लार्जर या बड़े होते हैं। जीन म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्रिएट करते हैं जबकि क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो होते हैं वो ऐसी एबनॉर्मेलिटीज पैदा करते हैं जैसे डिलीशन डुप्लीकेशन रीअरेंजमेंट इन्वर्सन आदि। ठीक है, इस प्रकार आप जीन और क्रोमोसोम को अलग अलग समझ गए होंगे। बच्चों इसी के साथ हमारा वंशागति और विविधता के सिद्धांत चैप्टर पूरा होता है और मैं अपेक्षा करती हूँ कि आपको इस चैप्टर को समझने में बहुत सहायता प्राप्त हुई होगी। जब आप खुद से इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको इन वीडियो से बहुत मदद मिलेगी, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।